देख रहे हैं जयवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बोरावड़ कस्बे से है, जहां आज बुधवार को ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर प्रशासन गांवों के संग अभियान को सफल बनाने को लेकर उपखंड अधिकारी के आदेशानुसार आमजन को जागरूक करने को लेकर प्री कैंप का आयोजन किया गया। आयोजित प्री कैंप में नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ को उप सरपंच समीम खत्री ने डेंगू की रोकथाम के लिए कस्बे में दवा छिड़काव का आग्रह किया। वहीं हनुमान पिपरालिया व रंजना सोनी ने चावंडिया रेलवे फाटक के मुख्य रास्ते पर जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों ने राठौड़ से कई मोहल्लों में जर्जर हुए विद्युत पोल बदलाने की भी मांग रखी, जिस पर नायब तहसीलदार राठौड़ ने सभी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। राठौड़ ने उपस्थित जन से प्रशासन गांवों के संग शिविर से पूर्व पट्टों के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करने का आग्रह किया व खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र परिवारों की सूची तैयार करने का जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया। कस्बे के चारागाह व सड़कों से अतिक्रमण हटाने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान विकास अधिकारी के प्रतिनिधि महावीर बांगड़ा, भू एवं राजस्व निरीक्षक राम प्रसाद विश्नोई, सरपंच मोहनलाल मेघवाल, पशु चिकित्सक वीएस देशपांडे, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक राजबाला शर्मा, पटवारी संपत सिंह, जलदाय विभाग के कर्मचारी बाबूलाल आचार्य, वार्ड पंचकुमाना राम कुड़ी, पुषा राम आंवला, दिग्विजय सिंह राठौड़, हरिशंकर व्यास, गजेंद्र बोथरा, प्रकाश सोनग्रा, सुनील सोनी, सुरेश वाल्मीकि, मेवाराम आंवला व आंगनबाड़ी से अनिता शर्मा, सुशीला सोनग्रा, जरीना बानो सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बोरावड़ से निधि राठौड़ की विशेष रिपोर्ट।